रेलवे भर्ती परीक्षा पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार ने छात्रों की सभी मांगे मान ली हैं, लेकिन आज बिहार बंद है। सुबह से ही बिहार के कई जिलों से विरोध की लगातार खबरें सामने आईं। बिहार बंद के दौरान प्रशासन अलर्ट है, लेकिन प्रदर्शन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पटना, गया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सहित बिहार के सभी बड़े शहरों में सुबह से ही जगह जगह रास्तों को जाम कर दिया गया। कहीं सड़कों पर टायर जलाए गए तो कहीं नारेबाजी की गई। मामला छात्रों से जुड़ा है तो राजनीति भी इस मुद्दे पर फुल ऑन जारी है। छात्रों के इस आंदोलन को अब विपक्ष ने लपक लिया है। पटना में सुबह सड़कों से छात्र नदारद दिखे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नारेबाजी और प्रदर्शन करते नजर आए। बिहार बंद को आरजेडी, जन अधिकार पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान जैसे राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है। दरअसल ये छात्र आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी और ग्रुप डी सीबीटी 1 परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के साथ साथ दूसरे जिलों में भी विपक्षी दलों ने पहले तो सड़कों को जाम किया और फिर टायर फूके। इस दौरान बिहार की नीतीश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के चलते पटना में गांधी सेतु पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बिहार बंद का आह्वान हुआ तो सुबह 7 बजे से आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। छात्रों ने बिहार बंद का आह्वान किया तो सुबह 7 बजे से आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। पटना में महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने रामाशीष चौक पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। छात्रों ने कोचिंग संचालकों के खिलाफ दर्ज हुई FIR के विरोध में बिहार बंद बुलाया है। हालांकि खुद खान सर ने कहा कि छात्र ऐसा कुछ नहीं करें। वहीं नीतीश सरकार में शामिल हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने हालात बिगड़ने की चेतावनी दी है। दिन गुजरने के साथ साथ बिहार में हालात बेकाबू हो सकते हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट है। 3 दिन पहले भी गया में ट्रेनों को फूंक दिया गया था। छात्रों ने ट्रेन में आगजनी की थी। उधर बिहार बंद को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट लगा दिया गया है। DGP ने सभी जिलों के SP को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में खास तौर पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। 26 जनवरी को भी प्रयागराज में छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिस पर काफी सियासी बवाल हुआ था। बिहार बंद है, लेकिन सियासत फुल ऑन जारी है।